Very good morning, class second. Today we will discuss about environmental studies, class second, chapter number 5, and topic is we need shelter. Shelter means छत. जिस छत के नीचे हम रहते हैं हमें उसकी ज़रूरत क्यों होती है. तो start करते हैं students. We all live in houses. हम सभी कहाँ रहते हैं? Houses में. A house protects us from heat, cold and rain. जो घर होता है वो हमें सुरक्षा देता है किन चीज़ों से? गर्मी से, सर्दी से और बारिश से. तो इनसे हमें बचाता है. It also protects us from dust, dirt and insects. और किन चीज़ों से वो हमारी रक्षा करता है घर? डस्ट से, डर्ट से एंड इंसेक्ट्स. मीन्स धूल, मिट्टी और कीट पतंगों से. इट कीप्स अस सेफ फ्रॉम थीव्स एंड स्ट्रे एनिमल्स. यह हमारी रक्षा करता है किन से? थीव्स मीन्स चोरों से, जो चोर डाकू होते हैं उनसे, और खतरनाक जानवरों से. टाइम टू डू. हेयर आर गिवन पिक्चर्स ऑफ सम हाउसेस. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं घरों की. राइट द नेम्स ऑफ ईच हाउस इन द गिवन स्पेस. आप लोगों को क्या करना है? इनके नेम लिखने हैं. ये कौन से हाउसेस हैं? टाइप्स ऑफ हाउसेस मीन्स जो घर होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस अराउंड अस. हमारे आसपास कई तरह के घर होते हैं. सम हाउसेज आर टेम्पररी एंड सम हाउसेज आर परमानेंट. टेम्पररी मीन्स जो कुछ समय के लिए होते हैं, परमानेंट जो काफ़ी लंबे समय तक होते हैं. ठीक है, तो ये दो प्रकार के हाउसेज हमें यहाँ पर बताए गए हैं, टेम्पररी एंड परमानेंट. पीपल बिल्ड हाउसेज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. जो लोग हैं वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से हाउसेज को, अपने घरों को बनाते हैं. पोर्टेबल हाउसेज. तो सबसे पहले हमें कौन सा टॉपिक दिया है? पोर्टेबल हाउसेज. पोर्टेबल मीन्स जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं. सम हाउसेज आर पोर्टेबल. कुछ घर होते हैं जो पोर्टेबल होते हैं. दीज हाउसेज कैन बी मूव्ड ईजिली. इस तरह के घरों को हम कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं. अ टेंट एंड हाउस बोट आर पोर्टेबल हाउसेज. टेंट, जो टेंट हम लगाते हैं, कई बार हमने देखा है सड़कों पर साइड्स में टेंट लगे होते हैं. हाउस बोट. हाउस बोट क्या होती है? जो पानी पर तैरने वाले घर होते हैं, एक बोट होती है, उसी के अंदर छोटा सा घर बना होता है, तो वो भी एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से जा सकता है. अ टेंट इज़ मेड ऑफ क्लॉथ. जो टेंट है वो कपड़े से बना होता है. सोल्जर्स एंड कैंपर्स लिव इन इट. जो कैंप में रहते हैं और जो सोल्जर्स मीन्स जो भी हमारे देश के सिपाही, सॉरी, फौजी हैं, वो इन टेंट में रहते हैं. अ हाउस बोट फ्लोट्स ऑन वाटर. जो हाउस बोट है वो पानी पर तैरता रहता है. इन इंडिया, हमारे भारत में, वी कैन सी द हाउस बोट इन द डल लेक ऑफ कश्मीर. तो कहाँ पर देख सकते हैं हम हाउस बोट को? डल लेक में. डल झील है जो, वो कश्मीर में है, और वहाँ पर हाउस बोट्स जो हैं वो तैरती रहती हैं, तो हम वहाँ पर उनको देख सकते हैं. देखिए आगे एग्जांपल में हमें दिया गया है, इनकी पिक्चर्स दी गई हैं. टेंट दिया है, हाउस बोट, कारावैन. ठीक है, तो ये तीन एग्जांपल हैं जो कि पोर्टेबल हाउसेस के एग्जांपल्स हैं. कच्चा हाउसेस. कच्चा हाउस क्या होता है? कच्चा हाउसेस आर मेड ऑफ मड, बैम्बू, स्ट्रॉ एंड क्ले. तो कच्चा हाउस किन चीज़ों से बनता है? मड से, मीन्स मिट्टी से, बैम्बू जो बांस की लकड़ियाँ होती हैं उनसे, स्ट्रॉ घास फूस से, और मिट्टी से. तो ये जो चार चीज़ें हैं इनसे कच्चा हाउस बनता है. दीज हाउसेज आर नॉट स्ट्रॉन्ग. ये जो हाउसेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, मजबूत नहीं होते. दे कैन बी ब्रोकन डाउन एंड रीबिल्ट ईजिली. ये आसानी से गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, और आसानी से बन भी जाते हैं. दे आर कॉल्ड टेम्प्रेरी हाउस.
अब देखिए, मैंने पीछे बताया था टेम्परेरी हाउस, तो ये टेम्परेरी हाउस का एक एग्जाम्पल है। अ हट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ कच्चा हाउस। तो अगर हम पूछेंगे टेम्परेरी हाउस कौन सा होता है, उसमें भी हम हट लिखेंगे, और अगर हम पूछेंगे कच्चा हाउस का एग्जाम्पल, उसमें भी हम हट लिखेंगे। नेक्स्ट इज़ पक्का हाउसेस। पक्का हाउसेस आर मेड ऑफ सीमेंट, सैंड, ब्रिक्स एंड स्टील। जो पक्का हाउस है, जो पक्का घर होता है, वो किससे बनता है? सीमेंट से बनता है, रेत से बनता है, ब्रिक्स मीन्स ईंटें, और स्टील से बनता है। दे हैव वुडन विंडोज़, और इनकी लकड़ी की जो विंडोज़ होती हैं, खिड़कियाँ होती हैं, एंड डोर्स और दरवाजे होते हैं। दे आर स्ट्रोंगर दैन कच्चा और पोर्टेबल हाउसेस। ये हट से और पोर्टेबल हाउसेस से काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं। दे आर कॉल्ड परमानेंट हाउसेस। इनको हम परमानेंट हाउस बोलते हैं। मोस्ट पीपल इन सिटीज़ एंड टाउन्स लिव इन पक्का हाउसेस। जो बड़े शहरों में लोग रहते हैं, टाउन्स में रहते हैं, वो ज़्यादातर पक्का हाउस बनाते हैं। अ स्काई स्क्रैपर इज़ अ वेरी टॉल बिल्डिंग। स्काई स्क्रैपर मीन्स आकाश को छूने वाली लंबी लंबी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ठीक है। अनदर नेम फॉर अ स्काई स्क्रैपर इज़ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स का दूसरा नाम क्या है? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, मीन्स जिनमें एक घर के ऊपर दूसरा घर, फिर उसके ऊपर एक और घर, तो इस तरह से काफ़ी सारी मंजिलें होती हैं, जिनको हम स्काई स्क्रैपर बोलते हैं, जो आकाश को छूने वाली बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी। इन दीज बिल्डिंग्स देयर आर फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स। तो इन बिल्डिंग्स में क्या होता है? फ्लैट्स होते हैं, या फिर हम उनको अपार्टमेंट्स बोलते हैं, जिनको लोग रेंट पर लेते हैं या ख़रीद भी सकते हैं। आगे देखिए, स्टिल्ट हाउसेस। स्टिल्ट हाउसेस आर बिल्ट ऑन लैंड और वाटर। जो स्टिल्ट हाउस होते हैं, वो धरती पर भी बन सकते हैं और पानी में भी बन सकते हैं। दे आर बिल्ट ऑन हाई बैम्बू पोल्स। पोल्स मीन्स जो लकड़ी के खम्भे होते हैं, बैम्बू मीन्स बांस की लकड़ी के खम्भे होते हैं, उनके ऊपर इन घरों को बनाया जाता है। स्टिल्ट हाउसेज आर फाउंड इन प्लेसिस विद हैवी रेनफॉल। ठीक है, कहाँ पर फाउंड होते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर ज़्यादा ही बारिश होती है, वहाँ पर इन घरों को बनाया जाता है, ताकि बाढ़ आने पर पानी घर के अंदर ना जा सके। आगे देखिए, इग्लू। इग्लूज आर हाउसेस मेड ऑफ स्नो। बर्फ से बनने वाले घर को इग्लू कहते हैं, ठीक है, बर्फ से बनने वाले घर को इग्लू कहते हैं। दे आर बिल्ट इन एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेसेस। कहाँ पर बनते हैं? जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ पर इन घरों को बनाया जाता है। द पीपल लिविंग इन इग्लूज आर कॉल्ड एस्किम्स। जो लोग इन घरों में रहते हैं, उनका एक स्पेशल नेम है, वो क्या है? एस्किम्स, ठीक है। आगे देखिए, पार्ट ऑफ अ हाउस। सम हाउसेज आर स्मॉल। कुछ हाउसेज छोटे होते हैं, एंड सम हाउसेज आर बिग। कुछ घर बड़े होते हैं। इन बिग हाउसेस, बड़े घरों में क्या होता है? देयर आर मैनी रूम्स, काफ़ी सारे कमरे होते हैं, सच एज अ ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन, स्टडी रूम, बाथरूम। मीन्स मेहमानों के लिए अलग से कमरा होता है, खाना खाने के लिए अलग से होता है, खाना बनाने के लिए अलग होता है, पढ़ाई करने के लिए अलग कमरा होता है। आगे देखिए, देयर आर ऑल्सो वन और टू बेडरूम्स। अब इनमें एक या दो बेडरूम भी होते हैं, जैसा कि आप लोगों को पिक्चर्स में दिखाया गया है। तो ये क्या होता है? बिग हाउसेस में इन सभी रूम्स को हम देख सकते हैं। आगे देखिए, पीपल हु हेल्प मेक अ हाउस। अब तक हमने पढ़ा कि हाउसेस कितने प्रकार के होते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि हाउस बनाने में, हमारा घर बनाने में कौन लोग हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। अ नंबर ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व इन बिल्डिंग अ गुड हाउसेज आर। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि हमारा घर बनाने में या बिल्डिंग बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। आर्किटेक्ट, मैसन, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर एंड लेबरर। मीन्स जो नक्शा बनाता है, उसको हम आर्किटेक्ट बोलते हैं। कारपेंटर, प्लम्बर, जैसे कि घरों में देखिए आप लोग, दरवाजे बनाने वाला अलग से होता है,
ठीक है, और पानी की फिटिंग करने वाला अलग से होता है, बिजली की फिटिंग करने वाला अलग से होता है, पेंट करने वाला अलग होता है, और जो सामान को नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं वो अलग होते हैं। तो ये सभी लोग जो हैं हमारे घर को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। अ लेबरर इज़ अ पर्सन हु डिग्स कैरीज लिफ्ट्स एंड डज ऑल काइंड्स ऑफ अदर वर्क। जो लेबरर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो क्या करते हैं, सामान को नीचे से ऊपर या कहीं भी ले जाते हैं, वो हर तरह का काम करते हैं, जिनको हम लेबर बोलते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, लाइफ स्किल्स। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज अराउंड आवर हाउस टू कीप द इन्वायरमेंटल क्लीन। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है। नहीं, अगर आप क्या करोगे, हर रोज़ भी नहीं लग सकते पेड़, तो आप क्या करोगे, एक पेड़ अपने बर्थडे पर ज़रूर लगाओगे कहीं भी। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, न्यू वर्ड्स, सेफ आउट ऑफ हार्म्स, मीन्स जब हम सेफ होते हैं हमें कोई भी हानि नहीं होती। पोर्टेबल मूवेबल, जिसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। डाउन, डाउन स्टेयर्स मीन्स नीचे। बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, बिल्ड मीन्स किसी चीज़ को बनाना। क्विक रिकैप, देखिए क्विक रिकैप में हम जानेंगे कि हमने इस लेसन में क्या पढ़ा। वी ऑल लिव इन हाउसेज, हम सब घरों में रहते हैं। अ हाउसेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। सम हाउसेज आर टेम्प्रेरी एंड सम हाउसेज आर परमानेंट। स्टिल्ट हाउसेज आर बिल्ड ऑन लैंड और वाटर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस